गुरुवार को सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक महेश परमार और विधायक रामलाल मालवीय का विरोध दर्ज कराया और उनका पुतला भी जलाया। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के विरोध में महितपुर नाके पर पुतला दहन किया गया। वहीं पुतला दहन के बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार सोनम भगत को ज्ञापन दिया गया। वहीं उक्त कार्यक्रम ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सिसोदिया और अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे द्वारा जो पुतला दहन किया गया है वो आज माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी, हमारे तराना क्षेत्र विधानसभा के विधायक श्री महेश जी परमार और गठिया विधानसभा के विधायक श्री रामलाल मालवीय जी का हमने पुतला दहन किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य पुतला दहन करने का ये रहा है कि इन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर लेटर लिखकर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो हम सब यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग एकत्रित हुए हैं और हमने उनका विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया है। अगर आपकी अगर मांगे मान लो मांगे नहीं मानेगी तो आप क्या उग्र आंदोलन करेंगे? भविष्य में हम उग्र आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन हम करते आ रहे हैं। हमने हमारी ताकत इंदौर में दिखाई है, हमने हमारी ताकत रतलाम में दिखाई है, हमने हमारी ताकत उज्जैन में दिखाई है। बिल्कुल इसके जिम्मेदार सरकार रहेगी, इसके जिम्मेदार समस्त जनप्रतिनिधि रहेंगे जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तराना से अर्पित बौराना की रिपोर्ट।